ये लेक्चर 4 की तरह अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि वो वीडियो बीच में ही मतलब बीच में ही रुक गई थी, तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में आप इसको देख के अपना टॉपिक कंटिन्यू कर लेना, और अब ज़्यादा नहीं बचा है, ओनली 20 से 30 मिनट का मटेरियल और बचा है, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं ताकि अपन नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे संयोजकता बंद सिद्धांत, है ना, VBT क्या होता है। तो मैं बताती हूँ VBT आपको क्या होता है ना। तो VBT में ऐसी बात है कि इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध की जो व्याख्या है वो इलेक्ट्रॉन तरंग फलन साई के अतिव्यापन के आधार पर की जाती है, है ना। तरंग फलन आपने पढ़ा होगा, वेव फंक्शन, क्वांटम अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें साई और साई स्क्वायर का बहुत रोल है। उसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसके अंदर भी साई वगैरह आता है। तो साई जो होता है उसके ओवरलैपिंग किस प्रकार से होती है, इन्होंने वो बताया था, है ना, कि सहसंयोजक बंध की व्याख्या की थी इलेक्ट्रॉन तरंग फलन के ओवरलैपिंग के आधार पर, किसमें, VBT के अंदर। तो इन्होंने बोला कि केवल उन्हीं परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन होता है जिसमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इन्होंने ये बोला था कि जैसे मान लो एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, तो इनके परमाणविक कक्षकों में अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना विपरीत चक्रण वाले, तो इनका अतिव्यापन हो जाएगा। अतिव्यापन मीन्स ऐसे ओवरलैप कर लेंगे ये, है ना। बट अगर ऐसे हुए ये तो ये मर जाएंगे पर ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया था। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया था कि बंध सामर्थ्य अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करता है, मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनेगा ये है डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कितनी हुई है ना। जैसे कोई मान लो कोई है परमाणुवीय कक्षक किसी के, उन्होंने इतनी अच्छी से ओवरलैपिंग कर ली, है ना, और किसी किसी के ऐसे हैं जो सिर्फ टच ही कर रहे हैं, है ना। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे ज़्यादा हुई है ना, तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो कम हो जाएगी। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। इसके अलावा इसमें कितने तरह की ओवरलैपिंग होती है आपको वो बताया गया है। तो देखो, आपको बताया था मैंने कि कितने प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है ना, तो एस अतिव्यापन होता है, एसपी अतिव्यापन होता है, मतलब एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे एसएस ऑर्बिटलों ने ओवरलैप करा है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एसपी का भी ओवरलैपिंग होता है, एस का ऑर्बिटल ये और पी का ऑर्बिटल आपको पता है डम्बलाकार है, तो ये वाली ओवरलैपिंग एसपी ऑर्बिटल कहलाएगी, एसपी ओवरलैपिंग कहलाएगी। इसके अलावा पीपी एक्सियल, मतलब पीपी ऑर्बिटल, मतलब दोनों ही डम्बलाकार ऐसे मिल रहे हैं आपस में, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा, है ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो तब होता है जब एक लोब से एक लोब इंट्रैक्ट करे, है ना, मतलब इस वाले लोब से ये वाले लोब इंट्रैक्ट करिए, इस वाले लोब से ये वाले लोब इंट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना। बट अगर इन्होंने बोला है कि पीपी ऑर्बिटल है और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, साइड वाइज का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल बना दिए, है ना, तो ये वाला इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में, है ना, ओवरलैप करके अगर ऐसा बॉन्ड बना दे, मुझे पता है ये थोड़े बहुत गंदे बनते हैं बट आपको बात समझ में आ रही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे भी बने आपको इसको कोई दिन भर नहीं देखना है ना। तो यहाँ पर ही देखो, इन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग करी यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया, है ना। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और इसकी चारों लोब, मतलब एक पी ऑर्बिटल की दोनों लोब इंटेक्ट करें आपस में दूसरे पी ऑर्बिटल की दोनों लोब से, तो क्या होता है ना कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात हो रही है बॉन्ड सामर्थ्य का कर्व, तो आपको ये तो चीज़ पता ही होगी कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, है ना, तो पीपी अक्षीय, तो इसके अंदर क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो पीपी अक्षीय का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक्सियल पे यहाँ पे ऐसे, मतलब ऐसे ये पी ऑर्बिटल एक है और एक पी ऑर्बिटल ये है, तो ये एक अक्ष पे ही मिल रहे हैं, मतलब मान लो ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष के सापेक्ष, अरे यार ये बन क्यों नहीं रहे, आप समझ लो, मतलब अक्ष के ऊपर मिलते हैं, तो ये वाला जो बंध बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। और उसकी मतलब जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक क्यों होते हैं, देखो एक मिनट, देखो अब आप ही लोग ये बोलोगे कि मैम सिग्मा बॉन्ड तो एस एस ऑर्बिटल भी बनाते हैं ना, तो उनकी बॉन्ड सामर्थ्य कम क्यों होती है, तो उसका रीज़न ये है कि देखो पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, ये डम्बलाकार शेप में होते हैं ना, तो डम्बलाकार होने की वजह से ये जो गोले गोले हैं वो क्या शो करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसी तरफ है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही है और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है,
तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी या फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे, ये बताओ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे गोले में, जबकि यहाँ पर क्या थे, इन्हीं लोब में थे। तो आपको खुद पता चल रहा होगा जगह कम होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर भी, मतलब दूर, यहाँ पे काफ़ी सफिशियंट जगह है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होती है। तो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल से क्यों ज़्यादा हुई, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो, है ना, इसमें ऐसे ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बंद बनता है जबकि पी पी समपार से साइड बाई साइड अतिव्यापन से पाई बंद बनता है। ये अपन ने देख लिया था। बंध सामर्थ्य का क्रम भी आपको समझ में आ गया होगा कि पी पी ऑर्बिटल जब अक्षीय बनाते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पी पी में आपको समझा दिया था, इसलिए पी पी सबसे पहले, उसके बाद में एस पी, उसके बाद में एस एस। आप ऐसे ध्यान रखो, पी का ज़्यादा होता है उसके बाद में एस का। तो अगर एक भी एस आया पी को हटा के तो वो बीच में आ जाएगा, उसके बाद में एस एस ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा बंध की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। द्विबंध में एक सिग्मा तथा एक पाई, जबकि त्रिबंध में एक सिग्मा एवं दो पाई बंध होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो क्वेश्चंस मान के चलो दो या तीन, दो या एक तीन तो बनेंगे ही बनेंगे। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, तो आपने पढ़ा होगा कि लॉन पेयर रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्शन होता है। इस उन्हीं के आधार पर ये थ्योरी आई थी। तो इसमें ये बताया गया कि अणु की आकृति कैसी है, केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों, मतलब जो संयोजित है या असंयोजित है, की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। अणु की आकृति कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से, मतलब ओरिएंटेड है, मतलब किस तरह से है, संयोजित है या असंयोजित है, किस, अभी अपन डिटेल में देखेंगे, आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर ऋणात्मक आवेश होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में व्यवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसमें फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। मतलब ये अपने आप को इस प्रकार से ओरिएंटेड करना चाहते हैं कि इनको रिपल्शन बहुत कम फील हो, हर कोई टेंशन फ्री रहना चाहता है ना लाइफ में, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। तो वो ट्राई करता है कि मैं ऐसे ऐसे अरेंज हो जाऊंगी भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं आ रहा है रिपल्शन नाम की आपदा का। इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है, और जो अब मान लो आपको किसी एक इंसान से या आपके किसी एक दोस्त से पंगा हो गया, या आपको पसंद नहीं है किसी से बात करना, तो आपसे दूरी मेंटेन कर लेते हो ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो ट्राई करता है कि हम ही इतने दूर दूर हो जाएं कि रिपल्शन नाम की कोई चीज ही ना रहे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो एक छोटी सी बात थी। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनोन्य क्रिया निम्नलिखित क्रम में घटती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद में बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन काफ़ी कम होता है। तो कहीं पे अगर बॉन्ड पेयर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा लॉन पेयर की तुलना में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग में ज्यामिति तथा बंद कोण में संबंध, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद ना भी हो तो भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कोई भी यौगिक दे देंगे, उसकी स्ट्रक्चर दे देंगे, और आपसे यही पूछेंगे कि इसमें बंद युग्म कितने हैं, या फिर एकांकी युग्म कितने हैं, या फिर इनके बीच में बंद कोण कितना बनेगा। जैसे अभी H2O होता है ना, H2O जो होता है वो आपको पता होगा वी शेप में होता है, मतलब इस तरह से। तो ये कौन से में आएगा बताओ आप, वी आकर कहाँ लिखा हुआ है, सिक्स पॉइंट में, मतलब दो तो बॉन्ड पेयर हो गए, दो लॉन पेयर हो गए, तो ये वाले तो हो गए दो बॉन्ड पेयर, और दो लॉन पेयर कैसे हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसने मतलब बंद बनाने में यूज़ में ले लिया, उसके बाद में कितने बचे, चार इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें और दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो इस प्रकार से दो बॉन्ड पेयर तथा दो लॉन पेयर। तो अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया होगा स्ट्रक्चर का, तभी तो आप ये चीज़ बता पाओगे ना, इसी वजह से कह रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाओ। PhD नहीं करनी हमें किसी टॉपिक में, बट सवाल तो कम करना ही है ना, एक बार नौकरी लग जाओ फिर आराम से पढ़ते रहना डिटेल में। तो फॉर इसके अंदर दो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये लीनियर होता है,
और इसमें 180 डिग्री का बंद कोण बनता है, और तीन बॉन्ड पेयर होते हैं तो त्रिकोणीय ट्रायंगुलर होता है, मतलब ये इनकी शेप बताई गई है कि कोण किस तरह का बनेगा, और इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। इसके अलावा कोणीय या वी आकार का 120 डिग्री से कम होता है अगर दो बॉन्ड पेयर के साथ में एक लॉन पेयर हो तो, और चार बॉन्ड पेयर होता है तो आपको पता होगा टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का बंद कोण आपसे पूछा जा सकता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ये 6 पॉइंट नंबर का भी इंपॉर्टेंट है जिसको टिक कराया मैंने अलग से। और तीन बॉन्ड पेयर तथा दो लॉन पेयर टी आकृति रखते हैं। टी आकृति कैसे रखते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो तीन बॉन्ड पेयर बता रखा है ना, तो ये तो तीन बॉन्ड पेयर हो गए और दो लॉन पेयर ऐसे होते हैं, तो ये जो है ये टी आकृति की शेप बनती है ना, इसी वजह से इसको मतलब टी आकृति के नाम से जाना जाता है। और बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है ना। ऐसे त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय तो हर किसी को पता होता है, अष्टफलकीय ये वाली अपन बनाते हैं ना, इसके अंदर ये छः बॉन्ड पेयर हो गए ना, एक यहाँ पे, दो तीन चार पाँच छः, इसी वजह से। और इनके बीच में कोण होता है 90 डिग्री का। आप इसको ऐसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करो इसको ऐसे देखो, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे है ना, तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ना ये वाला, आप थोड़ा सा इमेजिन करना ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करना, गूगल पे जाना, वहाँ पे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज द्विपिरामिड, टी आकृति, आप ये डालना, बहुत अच्छी 3D में इमेज आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, वहाँ पे जाके देखना एस्फल के कैसा होता है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, आपको देख के सुन के ज़्यादा याद होगा अगर खुद माथापच्ची करोगे उससे ज़्यादा। तो एक बार के लिए देखो, उसके बाद में माथापच्ची तो पढ़नी है ही, अभी पेपर दूर है, मैंने तो आपको बोला है बहुत जल्दी केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगी। तो बस इसके बाद में इस सिद्धांत द्वारा अत्यधिक ध्रुवीय बंध युक्त अणुओं की आकृति नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बॉन्ड बहुत पॉलर है तो वो स्टेबल ही नहीं रहेगा, मतलब जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि बंध है कैसा किधर है तो आप क्या आकृति बताओगे, है ना। संकरण, अब आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है ना, एकल परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक मिश्रित तथा तथा पुनर्व्यवस्थित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति के समरूप नए कक्षकों का समुच्चय बनाते हैं जो सम्मिलित रूप में एक विशिष्ट ज्यामिति धारण करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना कि जैसे एस और पी ऑर्बिटल मिलके, ये जैसे s ऑर्बिटल है और ये जैसे p ऑर्बिटल है, तो इन्होंने मिलकर sp ऑर्बिटल बना दिया है ना, समझ गए आप, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे ही दो sp2, दो मतलब एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो समान संख्या में समान ऊर्जा वाले है ना, संकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक परमाणु के, एकल परमाणु याद रखना, मतलब एक ही परमाणु के ऑर्बिटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही परमाणु के ऑर्बिटल्स का मिलन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कक्ष यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एकल परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, इनकी एनर्जी सेम होना चाहिए, आपको पता होगा ना रिश्ते बराबरी में अच्छे लगते हैं, तो याद रखना समान एनर्जी होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए वाले विभिन्न कक्षक मिश्रित होते हैं या पुनर्व्यवस्थित होकर, जितने मान लो दो परमाणु हैं कि दो परमाणु आपस में मिले हैं तो दो ही नए परमाणु मतलब दो ही नए परमाणु कक्षक आपको मिलेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति के समरूप नए कक्षकों का समुच्चय बनता है जो सम्मिलित रूप में एक विशिष्ट ज्यामिति धारण करते हैं ना। अब देखो मुख्य बिंदु, संकरण में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षक बराबर संकरित कक्षकों की संख्या, क्योंकि आपको बताया गया है कि जितने परमाणुवीय कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए संकरित कक्षक का फॉर्मेशन होगा, और जिस एनर्जी के मतलब समान ऊर्जा के होंगे तो वो बाद में भी समान ऊर्जा के ही बनेंगे। इसके अलावा संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं तथा प्रबल बंध बनाते हैं। अब आपको जैसे मैंने एस और पी ऑर्बिटल के बारे में बताया था ना, वैसे ही बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो संकरित कक्षक होते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं, मतलब ये थोड़ा छोटा सा होता है, ये बड़ा सा होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे। तो अगर ये किसी से बॉन्ड बनाने जाएगा है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही तरफ है, बहुत सारी है, तो इस वजह से दिशात्मक, ये चाहेगा कि मैं इधर से ही बॉन्ड बनाऊँ, समझ रहे हो, इसी वजह से इसको दिशात्मक बोला गया है। और ऐसे ही पी को दिशात्मक इसलिए बोला गया था क्योंकि देखो पी में क्या हो, डमलाकार होता है, पी में डमलाकार हो गता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं तो ऑब्वियस है यहीं से या यहीं से बॉन्ड बनाएगा, जबकि एस क्या होता है, राउंड शेप में होता है,
तो ओवल शेप पे, तो कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 कहीं पे भी होंगे, तो वो तो इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, इधर से भी बना सकता है और इधर से भी बना सकता है। तो कहने का मतलब है इसकी कोई दिशा नहीं है, है ना। इसी वजह से ऐसे जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, उससे ज़्यादा पीयू से ओवरलैपिंग होती है, उससे ज़्यादा संकरित कक्षकों से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो संकरित कक्षकों अधिक दिशात्मक होते हैं तथा प्रबल बंध बनाते हैं, तो दिशात्मकता का क्रम क्या हो, क्रम क्या होगा, तो sp3d3 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में sp3d2 का, उसके बाद में sp3d का, उसके बाद में sp3 आते हैं, उसके बाद में sp2 और उसके बाद में sp कक्षक, ठीक है। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को डाउट रहता है हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है या ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं परमाणु के, ना कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन। अतः संकरण में पूरित, अर्धपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। परमाणु की संकरण अवस्था से अणु की ज्यामितीय तथा बंध कोणों का निर्धारण किया जा सकता है। आपको कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन से किसका पता चलता है, तो अणु में अणु की क्या ज्योमेट्री होगी तथा उसमें क्या बॉन्ड एंगल्स होंगे, इस चीज़ का पता लग जाता है, क्योंकि जैसे अभी आपको बताया था, जैसे इस टेबल में अच्छे से दे रखा है, अपन यही देख लेते हैं। ये देखो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आकृति जो होती है वो लीनियर होती है, और इनके बीच में कोण कैसा होगा, 120 डिग्री का होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर जो ट्राइंगुलर शेप क्या होता है और 120 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में, और चतुष्फलकीय में आपको बताया था कितना बंद कोण होता है, तो वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। ऐसे ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, sp3d2 होता है तो अष्टफलकीय होता है, sp3d3 होता है तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, और DSP2 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा होगा, और नहीं तो अगर ट्यूशन आएंगे उस पैटर्न के तो अपन डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ये थ्योरी क्लासेस तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको जितना बोल जितना कहा है ध्यान रखने को, प्लीज़ उतना ध्यान रखना। इसके अलावा अब आपने ये तो देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और उसका कोण किस तरह से है ना, इसके अलावा ये जो एग्जांपल है ये आप अपने अपना मतलब नज़र में रखना कि HgCl2 जो होता है वो लीनियर शेप में होता है, ZnCl2 भी लीनियर शेप में होता है, CO2 भी लीनियर है, C2H2 यहाँ पे इथिन का फॉर्मूला है वो भी लीनियर होता है। इसी प्रकार जो BF3SO3 है, C2H4 है, CO3 2- है, NO3- है, ये सब ट्राइंगुलर शेप वाले हैं, और जैसे NiCN का होल 4 2-, CuNH3 का होल 4 2+, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको आप मुझे भी पता है कि ये कोई चीज़ नहीं है कि आप मतलब डेफिनेटली याद कर पाओ इतने सारे एग्जांपल्स को, आप भी इंसान हो, बट जैसे कि यहाँ पे ग्रेफाइट है तो आपसे ये पूछा जा सकता है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो होता है इनके बीच में 120 डिग्री का बंद कोण होता है तथा त्रिकोणीय होते हैं, ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। इसके अलावा कोई आपसे पूछे हीरा कैसा होता है, तो जो आपको लगता है कि ये यार ये तो अपन ने ऑर्गेनिक में या फिर इनऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में बहुत बार देखा है, ये कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। बाकी अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किसके लिए कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट पेपर है अपना, इसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो जब इतना देखा है तो थोड़ा और से तो अनुनाद जो है इसको इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं, है ना। अनुनाद में क्या होता है कि यदि किसी यौगिक को दो या दो से अधिक लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो अणु की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है ना। इसके अंदर आपने अनुनाद अगर बेंजीन रिंग में भी देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनती हैं और मतलब कुछ भी नहीं होता, आपको ये बताते हैं कि इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हो सकता है कि इस वाले ऑक्सीजन के साथ में इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और इसके साथ में उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, जबकि हो सकता है इधर इस वाले के साथ में कोवेलेंट बनाया या इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, आपको क्या पता। तो इस तरह अनुनाद संकर बनाया जाता है ना, और ये इसकी वास्तविक स्ट्रक्चर है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी विहित संरचना की ऊर्जा से कम होती है। अगर आपसे पूछे कोई हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखे कि इसकी और नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले की जो है स्टेबिलिटी
एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो कम होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की वजह से ही स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे इधर घूम रहे हैं, कभी कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं ना, तो घूमना पसंद है उन्हें, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं उसको, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अनुनाद के कारण बंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ओ थ्री अणु में अनुनाद संकर रूप थर्ड की ऊर्जा अनुनादी रूप फर्स्ट तथा सेकंड की ऊर्जा के मान से भी कम होती है। अब आपको कोई पूछे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर देखे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपको ध्यान होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वाला अनुनाद जो संकर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन स्ट्रक्चरों से। तो ठीक है, मतलब ये जो अनुनादी संरचनाएँ होती हैं इनसे जो अनुनादी संकर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बाकी MOT आणविक कक्षक सिद्धांत, तो MOT जो है ये सिद्धांत हुंड तथा मुलिकन ने दिया था, है ना, और इन्होंने सहसंयोजक बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ये सिद्धांत दिया था। अणु में इलेक्ट्रॉन एक नए प्रकार के कक्षक में भरे जाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। आणविक कक्षक जो होते हैं वो परमाणविक कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। आणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले परमाणविक कक्षकों से LCO क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन एटोमिक ऑर्बिटल, ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रहेगी, लीनियर कॉम्बिनेशन एटोमिक ऑर्बिटल्स विधि द्वारा निर्मित होते हैं। आणविक कक्षकों की संख्या को निर्मित करने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। अगर आपसे कोई पूछा आणविक कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो जितने परमाणविक कक्षक होंगे उनकी की संख्या, मतलब जितने परमाणविक कक्षकों से वो मतलब मिलकर बहुत बने होंगे उतने ही बराबर होती है। इनमें एक प्रकार के आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से कम होती है जिन्हें बंधित आणविक कक्षक कहते हैं, है ना, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकते हैं, तथा दूसरे प्रकार के आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणविक कक्षक से अधिक होती है जिन्हें प्रति आबंधी आणविक कक्षक मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार या पाई स्टार से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर MOT डायग्राम आपने किसी का भी बनाया होगा, तो यहाँ पे परमाणविक कक्षक लिखे जाते हैं और यहाँ पे जो नीचे की तरफ आते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं जिनको BMO बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर की तरफ जाते हैं उनको ABMO बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं वो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पे जो होंगे वो सिग्मा और पाई स्टार होंगे। अगर किसी का MOT अच्छे से डिटेल में आगे समझाया हुआ होगा तो हम उसे ज़रूर देखेंगे। उसके अलावा आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑफबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं, मतलब वही अगर कोई और मतलब सबके अंदर वही एक ही इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद में ही डबल होंगे, है ना, तो ये वाला हुन वाला रूल और बाकी ऑफबाउ मतलब सब पहले अर्धपूरित होते हैं पूर्ण पूरित उसके बाद में, तो ये सारे ना जो हमने पढ़े थे कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं शायद लेक्चर 1 में देखा था, तो वही वाले रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। ऐसा नहीं है मनमर्जी से नीचे वाले ऑर्बिटल तो अभी भरे ही नहीं है, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डाल दिया है ना। समान ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। एक आणविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए। विभिन्न आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, σ1s होता है सबसे पहले, उसके बाद में σ*1s होता है, उसके बाद में σ2s होता है, उसके बाद में σ*2s होता है, σ2pz होता है, π2px, π2py, उसके बाद में π*2px, π*2py, है ना। आपको ये मैं सब बोल रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कैसे याद रहेंगे, है ना। एक काम करना आप लोग, कोई भी एक काम करना, गूगल पर MOT ऑर्बिटल्स के नाम से डाल देना, आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसके अंदर यहाँ पे जैसे σ1s हो गया, है ना, है ना, σ1s हो गया, SS ऑर्बिटल की मान लो ओवरलैपिंग से क्या होता है, एक σ1s बनता है और एक σ*1s बनता है ना। इसके अलावा ऐसे ही जब जब S ऑर्बिटल मतलब 2s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे σ2s बनता है यहाँ पे, और इस ही ऊपर की तरफ σ*2s बनता है ना। और जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना तो 2pz और π2px y और π2py बनता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बनता है π*2px और π2py और σ*2pz। ठीक है,
तो आपको ये कुछ चीज़ें तो रिमेंबर ही करनी पड़ेगी इस पे, तो मैं क्या ही समझाऊँ, बट आप एक दो बार देखना आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वनस वनस ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की तो सिग्मा वनस और सिग्मा स्टार वनस बनाया, तो सिग्मा वनस की एनर्जी जो है वो कम होती है क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार वनस की एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्मा 2s की कम होगी, सिग्मा स्टार 2s की ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से जो सिग्मा 2pz है ना, सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो इनसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स मतलब ओवरलैप करते हैं तब बनता है ये वे, और सिग्मा 2pz के बाद में पाई 2px पाई 2py एक काम करती हूँ, मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ऐसे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। देखो ये वनस वनस ऑर्बिटल है ना, इन्होंने आपस में ओवरलैप करा परमाणविक कक्षक थे, तो इन्होंने एक ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया और एक इन्होंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया है ना। जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाया है इसको वनस बोला गया है, और इस सिग्मा वनस बोला गया, और इसको बोला गया है सिग्मा स्टार वनस, समझ गए। तो जब 2s 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा वनस की जगह सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार वनस की जगह सिग्मा स्टार 2s बनेगा, समझ गए आप ये चीज़। ऐसे ही तो आपको ये आगे के चार पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि सिग्मा वनस सबसे कम एनर्जी का होगा, उसके बाद में सिग्मा स्टार वनस होगा, उसके बाद में सिग्मा 2s होगा, उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s होगा, ठीक है। अब देखो पी की बात करते हैं, तो पी ऑर्बिटल आपको पता होगा कि तीन ऑर्बिटल्स होते हैं पी के अंदर, है ना, px py pz है ना। तो ये जब आपस में कंबाइन करके परमाणविक कक्षक जब कक्षक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो एक होता है सिग्मा 2pz सबसे नीचे है ना, जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा पाई 2px और पाई 2py यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये हो गए बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और इसके बाद में यहाँ पे पाई स्टार 2px होता है और पाई स्टार 2py होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है सिग्मा स्टार 2pz। एक चीज़ ध्यान रखना, जो जितना नीचे जाता है ना वो उतना ही ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे सबसे नीचे क्या था, सिग्मा 2pz था ना, तो सिग्मा स्टार 2pz ही सबसे ऊपर होगा, समझ में आया कुछ। तो अब तो ये चीज़ ध्यान रखो, देखो ये वाला सिग्मा 2pz है जिसको मैं ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, उसके बाद में ये हो गया पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद में ये हो गया पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz और 2px, और उसके बाद में हो गया ये सिग्मा स्टार 2pz है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी एनर्जी सबसे कम है ना और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और अब आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। मैंने अपनी तरह से पूरा ट्राई किया कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके, यहाँ पे अपन लोग ऐसे ही समझ सकते हैं बच्चा लोग, तो आप लोग देखना, बाकी थोड़ा बहुत आपने पहले भी कहीं से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऑर्डर याद रखना रहना चाहिए। और आप देखना बोरोन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल और कार्बन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए ये ऑर्डर मिलता है, सिर्फ यहाँ पे स्विच होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप एक ये याद कर लो, आपको पता चल जाएगा B2C2N2 के लिए क्या होता है, पाई 2px पहले आ जाता है और सिग्मा 2pz बाद में चला जाता है, उसके अलावा सब कुछ सेम है, ठीक है। इसके बाद में और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में इनमें भरे जाएंगे, उसके बाद में इनमें भरे जाएंगे, उसके बाद में इनमें, तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा, उसके बाद में यहाँ भरे जाएंगे, उसके बाद में ऐसे, ठीक है। मतलब 1 2 मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4 और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 ऐसी। अब और इलेक्ट्रॉन होते तो फिर वो ऊपर जाते, ठीक है। तो पहले वही अर्धपूरित होंगे, मतलब उनके रूल के अकॉर्डिंग एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद में ही फिर वो डबल होंगे, मतलब पहले सिंगल उसके बाद में मिंगल, ठीक है। अब देखो और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं, बंद कोटि निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है मतलब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो आपको पता होगा जैसे मैंने बताया था बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, तो नीचे वाले जो ये ऑर्बिटल होते हैं वो BMO कहलाते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं वो ABMO कहलाते हैं। तो जो NB होते हैं बंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और NA जो हो गया वो प्रति आबंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसके अलावा जो NB जो होते हैं
मतलब जो प्रति आवर्ती कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़्यादा होती है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अणु स्थिर होगा, बट अगर अगर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो अणु स्थिर होगा, बट अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो फिर वो अणु का निर्माण नहीं होगा। इसका रीज़न यही है कि एन बी माइनस एन ए कर रहे हैं तो ऊपर कुछ तो बचना चाहिए ना, डिवाइड बाई टू करना है, तो जब कुछ आएगा तो उसके बीच में बंद बन जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर वन है इसका मतलब वहाँ पे एक बंद है, अगर वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर टू आया इसका मतलब उनके बीच में दो बॉन्ड है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर तीन आया इसका मतलब उनके बीच में तीन बॉन्ड है। ठीक है, आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अणु अनुचुंबकीय तथा युग्मित होने पर प्रतिचुंबकीय होते हैं। अगर आप देखोगे आणविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद में कहीं पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गया तो वो ट्रांजिशन शो कर सकते हैं ना, मतलब ऊपर वाले लेवल में जंप कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, और अगर सारे ही मतलब पेयरिंग में होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे फिर वो प्रतिचुंबकीय होगा। अब लास्ट बचा है अपना हाइड्रोजन बंध, इसके बाद में ये टॉपिक आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये फटाफट देख लेते हैं। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो भी एक प्रकार का आकर्षण बल ही होता है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को उसी अणु में विद्यमान या दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु FON से बांधता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। आप ध्यान रखना हाइड्रोजन बंध जो होता है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON, मतलब फ्लोरिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, या फिर जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का जो इंट्रैक्शन होता है ना वही हाइड्रोजन बंध है, बाकी अपन लोग यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। अंतराणु हाइड्रोजन बंध क्या होता है, तो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है। इंट्रा याद रखना, इंट्रा से आपको लग रहा होगा ना कि एक ही अणु के अंदर बात हो रही है ना, तो हाँ एक ही अणु के अंदर बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दे रखा है तो ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, है ना, तो यहाँ पे ही इस ऑक्सीजन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो डॉट डॉट से दिखाया हुआ है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे देखो HF का एक मॉलिक्यूल ये रहा, फिर HF का एक मॉलिक्यूल ये रहा, फिर HF का एक मॉलिक्यूल ये रहा, तो एक HF के मॉलिक्यूल में से F का दूसरे HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में ये जो डॉट डॉट से दिखाया हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसमें क्या होता है भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य बनता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। आप अंतरा से और अंतर से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको इंग्लिश में याद रखना कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में बॉन्डिंग, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही अणु के अंदर पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, HF हो गया जो HF में जैसे आपको समझाया वैसे ही ऐसे ही अणु जल में अधिक विलय होते हैं तथा इनका क्वथनांक भी उच्च होता है, तो जो अंतराणु हाइड्रोजन बंध जिनमें पाया जाता है ना, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और ये जल में भी ज़्यादा घुलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बताई गई है इनकी, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल देखें आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से एक ही अणु में मिलती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध के प्रभाव क्या है ना, हाइड्रोजन बंध के इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन बंध तो पढ़ लिया बट क्या फ़ायदे, तो इसमें जल में विलयशीलता, अभी जैसे आपको बताया था कि जिनके अंदर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी उन वो अधिक घुलेंगे वाटर में, है ना, तो जल में विलयशीलता पर प्रभाव पड़ता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके अलावा अणुओं के संगुणन से उच्च द्रव्यमानांक व क्वथनांक, उसके अलावा भौतिक अवस्था H2O द्रव है जबकि H2S गैस, अगर आपसे कोई पूछे कि H2O द्रव है बट जो H2S होता है H2S जो है वो गैस के रूप में मिलती है, क्यों मिलती है आपसे अगर कोई पूछे तो इसका सीधा सा रीजन है H2O के अंदर क्या ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके बीच में आकर्षण बल होता है, वो पास पास आ जाते हैं, और अगर मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे तो वह द्रव फॉर्म में रहेगा, बट सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती है, हाइड्रोजन सल्फर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी जैसा भी कुछ नहीं होता, तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर रहना पसंद करते हैं, जब वो दूर दूर रहते हैं तो वो गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके अलावा जो धात्विक बंध होता है मेटेलिक बॉन्ड वो कैसा होता है, तो धात्विक आयनों तथा गतिक इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वह आकर्षण बल जिसके कारण धात्विक परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं धात्विक बंध कहलाता है ना, मतलब जो मेटल होते हैं मेटल के अंदर परमाणु होते हैं उनको धात्विक परमाणु बोला गया है, तो जो धात्विक परमाणु होते हैं ना उनके बीच में जो बॉन्ड देखने को मिलता है उसको धात्विक बॉन्ड कहते हैं। इसके निर्माण को बैंड सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, ये सिद्धांत आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित है,
इसके अनुसार धात्विक बंध के निर्माण का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का पूरी धातु में डीलोकलाइजेशन होना है। अगर आपसे कोई पूछे कि धात्विक बंध के निर्माण का रीज़न क्या है, तो आप बता सकती हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी धातु में मजे से घूमते, जिसे डीलोकलाइज बोलते हैं, अपन ने पहले भी देखा था। इसी वजह से वहाँ पे धात्विक बंध बनता है। आण्विक कक्षकों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। जो आण्विक कक्षक होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है तथा उनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है। इस कारण ये सतत बैंड की तरह लगता है। यहाँ पे बात इसकी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कम ऊर्जा, ये सतत बैंड हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये ऊर्जा है। मान लो यहाँ पे दो धात्विक परमाणु की बात करते हैं, तो एक का ऑर्बिटल ये है, है ना, तो या तो ये बहुत अच्छे से ऐसे ओवरलैप कर लेंगे, मतलब एक ये है और एक ये, तो यहाँ पे धात्विक बॉन्ड बन गया। इसके अलावा ये हो सकता है ऐसे ओवरलैप कर लें, ठीक है, हो सकता है ऐसे कर ले, तो इन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और ये जब बंध का निर्माण नहीं कर पाते यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, है ना, तो इस वजह से ये अचालक होते हैं। आपको बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड इन्होंने थ्योरी दी थी, इसके आधार पर आपको पता होना चाहिए कि धातु में चालक कौन है, अचालक कौन है, अर्धचालक कौन है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो अच्छे से ओवरलैप कर लेते हैं तो क्या होगा, जो एक मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मजे से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जैसे कि धातु में होता है ना, क्योंकि तो इस वजह से ये चालक है, क्योंकि यहाँ पे आपको शो होगा, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन मिलेगा। इसी वजह से धारा जो है वो प्रवाह होती है, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको चालक बोलते हैं अपन लोग। इसके अलावा अचालक में क्या होता है ना कि ये वाला जो पूरी बैंड है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और रिक्त बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इस वाले बॉन्ड में नहीं, बैंड में नहीं जा पाते। इस वजह से ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो नहीं करता है, ये विद्युत के अचालक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ये संवहन बैंड है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट इनके बीच में ये जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कम होता है। ऐसे नॉर्मल में तो ये अचालक की तरह बिहेव करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो बट इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पावर मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और ये ट्रांजिशन शो कर जाएंगे और रिक्त बैंड में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये अर्धचालक हो गए। आपने पी और एन सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ा होगा, बाकी जब अपन सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे कि ये कौन, मतलब सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं। फिजिक्स में भी आपको अलग से सेमीकंडक्टर का टॉपिक दिया हुआ है। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, अष्टक नियम के अपवाद। अब आपको अष्टक नियम के इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये महत्वपूर्ण तत्व है तो आपको पता ही होना चाहिए। अष्टक नियम अपन ने देखा था कि संयोजकता जो कोष है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं वो, तो अपवाद कौन से हैं इसमें एक्सेप्शन, कि जिनके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बट वो फिर भी स्टेबल है, तो BF3, BCl3, AlCl3, PCl5, SF6, NO और NO2, ठीक है। शून्य द्विध्रुव आगुण म्यू बराबर 0 दर्शाने वाले अणु। अब आपसे कोई पूछे कि जो म्यू है द्विध्रुव आगुण की वैल्यू किस किस के लिए 0 है, हाँ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, तो CH4 हो गया, CCl4 हो गया, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, C6H6 हो गया, ये क्यों हुआ है। देखो हमने म्यू का फॉर्मूला देखा था, म्यू बराबर होता है Q×D। अब यहाँ पे सेम हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आवे सब पे सेम सा हो गया, मतलब चार सब पे सेम हो गया, तो और साइज भी सबका ऑलमोस्ट सेम है, इसी वजह से यहाँ पे जो म्यू है वो 0 है, क्योंकि या तो डिस्टेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है या चार्ज में डिफरेंस देखने को मिलता है, तभी तो कुछ ना कुछ द्विध्रुव आगुण आता है ना, जब सभी कुछ सेम है तो कहाँ से द्विध्रुव आगुण आएगा। विषम इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती है वो Hg2+, O2+, NO2 एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और मिलता है। अगर मान लो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो उसको तो अपन लोन पेयर बोल सकते हैं, बट एक ही इलेक्ट्रॉन मिला तो उसको ओड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसके अलावा परिणामी द्विध्रुव आगुण कैसे निकालते हैं, तो वो एक इस फॉर्मूले से निकालते हैं, μ1² + μ2² + 2μ1μ2 cos θ, ठीक है, √μ1² + μ2² + 2μ1μ2 cos θ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट परसेंट आयनिक गुण निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला तो याद रहना चाहिए। परसेंट आयनिक गुण बराबर 16, यहाँ पे XA और XB है ना, काई और काई भी, ये जो विद्युत ऋणात्मकता, ये X जैसा दिखता है बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको काई से शो करते हैं, काई ऐसा होता है, थोड़ा X ही होता है बट X थोड़ा मतलब बढ़िया से बनाते हैं, देख लो, इसको काई बोलते हैं ना,
तो इससे डिनोट करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को। तो यहाँ पे काई और काई भी दो परमाणु होंगे जिनकी अपनी अपने विद्युत ऋणात्मकताएँ हैं, प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स ए तथा एक्स बी ए तथा बी की विद्युत ऋणात्मकताएँ हैं। अब देखो संकरण निर्धारित करने की विधि। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ लिया था, बट अपन आप लोग निर्धारित कैसे करोगे? तो देखो किसी भी स्पीसीज में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निर्धारित करें, यदि यह संख्या 8 से अधिक आती है तो 8 से विभाजित करके 8 से अधिक आती है तो 8 से विभाजित करके भाज्य को निर्धारित करें, अथवा 8 से कम आती है तो 2 से विभाजित करके भाज्य निर्धारित करें। भाज्य संख्या के आधार पर सारणी से संघ संकरण को निर्धारित किया जा सकता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। आपको मुझे पता है इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको H2O के अंदर, चलो अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना। तो H2O के अंदर अगर अपन लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कितने हुए? ऑक्सीजन के हो गए 6, तो और हाइड्रोजन के हो गए 2, तो 8 आ गए ना। आई थिंक ये क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड। किसी भी स्पीसीज में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निर्धारित करें, यदि ये संख्या 8 से अधिक आती है, अच्छा अधिक आती है तो 8 से डिवाइड करना है, बट अगर 8 से कम आती है तो 2 से डिवाइड करना है ना, ठीक है। ऑक्सीजन पे 6 ही तो होता है। एक काम करना, इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, है ना, क्योंकि आपको गलत बताने से तो अच्छा है कि मैं ये पॉइंट एक अलग से बना दूँ, अलग से बता दूँ। तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में तो जुड़े ही हुए होंगे ना, उसमें मैं थोड़ा इसको इजी वे में या डिटेल, या एक सेकंड एक मिनट रुको, मैं थोड़ी इसी वीडियो के, अब आप मुझे पता है कोई टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जाने वाले, तो 2 मिनट दो, मैं इसी में आपको समझा देती हूँ। तो मैं आपको सही समझा रही थी। देखो डाउट कभी किसी को भी हो सकता है ना, आपको भी पढ़ते पढ़ते हो ही जाता है, तो ये तो एक बेसिक सी बात है, कोई बात नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि H2O के अंदर क्या है ना, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन का 6 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब इसमें बोला गया है कि 8 से अगर मतलब 8 हो या 8 से कम हो तो अपन विभाज्य किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8 को अपन ने अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया ना, तो ये 4 आता है तो अपन इस टेबल से मैच करेंगे। यहाँ पे 4 मिला है, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो H2O का कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसी प्रकार अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि एक बार अमोनिया की भी बात कर लेते हैं, जैसे अमोनिया है NH3, है ना, तो एन नाइट्रोजन के 5 होते हैं और हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना, ये भी 8 हो गए, तो 8 / 2 = 4 आया ना, तो जो अमोनिया होता है उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलता है। तो इसी प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप लोग पता लगा सकते हो, काउंट करके उससे डिवाइड करके, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो आपको 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करके जो आता है उसको टेबल में मैच करो और डिसाइड करोगे आपका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट अगर 8 से कम आता है तो फिर कोई बात नहीं, आपको फिर भी 8 से अगर कम आते हैं तो 2 से डिवाइड करना है, फिर जो आया उसको टेबल से मैच करो और आपको पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। आपसे बकायदा पूछा जा सकता है, NH3 देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, या BF3 देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, या फिर H2O का हाइब्रिडाइजेशन। कह रही है बहुत कॉमन से बेसिक से सवाल है, बट कोई पता नहीं एग्जामिनर का मूड कैसा हो, डाल भी सकता है वो एग्ज़ाम में। तो आपको ये टॉपिक ही फाइनली फिनिश हो चुका है, सोचा तो था एक वीडियो में कंप्लीट करवाने का बट नहीं हुआ, और घास काटने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके बाद में बोलती टॉपिक ख़त्म हो गया, तो आप लोग भी सोचते मैडम कुछ पढ़ाती तो है नहीं, है ना, तो और यही बोलती रहती है सब्सक्राइब कर दो। तो अब आपको पता चल गया होगा फाइनली ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, पढ़ना ज़रूर, और किसी ने अगर ये टॉपिक पूरा कवर करा है, अच्छे से रिवाइज करा है और यहाँ तक पहुँचा है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि मैम हमने पूरी देख ली। आपका कमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता है। पहली जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था उस पर काफ़ी अच्छे बच्चों ने रेस्पॉन्स किया, उसके अच्छे लाइक वगैरह भी हैं, व्यूज़ भी काफ़ी ठीक ठाक आए हैं। तो आप ट्राई करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने की, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। और हाँ, ये आपको जो अभ्यास प्रश्न दिख रहे हैं ना, एक बार ये थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाने दो, आई थिंक हो जानी चाहिए मार्च एंड तक, तो सारे टॉपिक, उसके बाद में जब बायो की थ्योरी क्लासेस आएंगी तो उसके साथ में अपन केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है। बाय बाय।